कहते हैं हम सबकी अलग अलग कहानियाँ होती है जो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। उसी कहानी में एक नई कहानी को जोड़ने निकल पड़े हैं हम, हाथ में कैमरा थामे और अपने शहर रायपुर से कुछ ही दूरी पर बसे चंखुड़ी में खूबसूरत लम्हों को कैप्चर करते हुए हम हैं आर्टिस्ट सुमित। चंखुड़ी में एंटर करते ही हमें सामने कुछ नजर आया, वो है ये। इसे देखकर हमें उज्जैन की याद आ गई, लेकिन हमें याद आया कि हमने एंट्रेंस तो शूट ही नहीं किया, तो अलग अलग एंगल से एंट्रेंस शूट करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। हमसे ये गलती को कवर करने के लिए कुछ पिक्चर्स जो हमने क्लिक किए, खुद को फर्स्ट टाइम रिवील करते हुए, और पीछे से तभी आ जाती है दी। और इस बीच अचानक से हमारी मुलाकात होती है एक जाने पहचाने शख्स से, ये है हमारे फ्रेंड जो हमसे झूठ बोल के यहाँ आए हुए थे और पकड़े गए। चलिए इन सभी को पीछे छोड़ते हुए खुद भी घूमते हैं और आपको भी घुमाते हैं, कुछ खूबसूरत लम्हों को कैप्चर करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। एंजॉय करिए तब तक के कुछ व्यू को। हम कैप्चर कर ही रहे थे तभी हमारी नजर पड़ी सामने, ये लंबा सा क्या है। इसे देखने के लिए वीडियो को आखिरी तक के तो इंतजार करना ही पड़ेगा। चलिए आपको अब वहाँ पे ले ही जाते हैं, ये लंबी सी पत्थर में क्या बनी हुई है। ये है 51 फीट लंबी प्रभु श्री राम की प्रतिमा। इस विशाल प्रतिमा को देखने के बाद शांति से बैठकर इस खूबसूरत नजारे को एंजॉय करते हुए और कुछ पिक्चर्स क्लिक करते हुए और रात का इंतजार करते हुए कुछ खूबसूरत व्यू कैप्चर करने के लिए